जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के बोल भी बेबाक होते जा रहे हैं। माधानता से भाजपा प्रत्याशी पटेल ने फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिंधिया पूरी कांग्रेस पार्टी को खरीद सकते हैं। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटेल पर कटाक्ष किया है। इनके पास पूरे 25 लोगों ने इस्तीफा दिया, हमारे सिंधिया जैसे आधी कांग्रेस खरीद ले, वो क्या पूरी कांग्रेस खरीद ले, इतनी बड़ी स्टेट है उनकी। पहली बार भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल ने पंजे पर मोहर लगाकर विजयी बनाने का बयान दिया। उसके बाद मीडिया के सामने कांग्रेस पार्टी को खरीदने वाला विवादित बयान देकर सुर्खियों में है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी कांग्रेस पार्टी को खरीद सकते हैं। ग्राम बखर के कृषक कैलाश भारती ने भाजपा प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिम्मेदार व्यक्ति की जवान कुछ भी बोल सकती है, तो इन पर कैसे विश्वास किया जाए। ओंकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट। चमड़े की जवान है, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। निकल गए जवान, भ्रष्टाचार नहीं किया, चमड़े की जवान है हर आदमी, जवान निकल गई। तो श्रीमान पटेल साहब, ये चमड़े की जवान से जो बात कर रहे हैं, अगर आप जन प्रतिनिधि बन गए तो शायद ये चमड़े की जवान सही रहेगी कि गलत रहेगी, बार बार पलटते ही रहोगे कि चमड़े की जवान कुछ भी बोल दे। आज जितने वादे कर रहे हो आप, वो वादे पूरे होंगे कि चमड़े की जबान वाली बात आ जाएगी, चमड़े की जबान ने बोल दिया तो बोल दिया।